की रफ्तार। माँ, जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या आशीर्वाद हो बेटे? आशीर्वाद मांगकर तूने इस उम्र में मेरी परीक्षा ली है। माँ, मैं भी तो एक परीक्षा देने ही जा रहा हूं और आज तक मेरी हर कामयाबी आपके आशीर्वाद का फल ही है। मुझे यकीन है बाप कि मेरी मेहनत और आपके आशीर्वाद से कामयाबी मुझसे दूर नहीं रहेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाप। आज तक जब भी तुझे आशीर्वाद दिया मेरा सीना खुशी से भर आया, लेकिन आज वक्त ने इन आशीर्वाद देने वाले हाथों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? दूंगी बेटे, दूंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी, जरूर दूंगी। मैं जानती हूं तू आने वाला वक्त है, आने वाले समय पर मेरे ही कदमों का निशान है। अरे आज मैं दुविधा में पड़ गई हूं, मेरा विजय और मेरा विलास दोनों को ही मुझे आशीर्वाद देना है। दोनों की हार मेरी हार है और दोनों की जीत मेरी जीत है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हार तेरा दामन कभी न छुए। मुझे और एक आशीर्वाद चाहिए कि चाचा जी ने रखी हुई शर्त मैं पूरी कर सकूं। मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, अब तेरे पास कुछ मांगने को नहीं और मेरे पास कुछ देने को नहीं, सब कुछ अब वक्त के हाथ में है। अब वक्त ही तेरा मेरा सहारा है। सिंह विश मी लक। भैया, मांगने से सब कुछ नहीं मिल जाता।
हेलो चाचा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे कैबिन में आ जाओ। जी अभी आ रहा हूँ। चाचा जी आपने मुझे बुलाया। आओ विलास, आज जो हेडलाइन छपने वाली थी तुम जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट है? जी। फिर तुम इसको चेंज क्यों करवाया? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं चाचा जी कि आज जो हेडलाइन छपी है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जो बात दुनिया को पता लगने वाली थी उसे ढोल बजाकर दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? हा? देखो विलास, मैं तुम्हारी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि आज से जो तुम पेपर चला रहे हो वो कोई मामूली पेपर नहीं, वो प्रजासत्ताक है। जी मुझे इस बात का ध्यान है। तुम्हें इस बात का ध्यान होता तो ना तुम कल रात बचकाना हरकत करते और ना मुझे तुम्हें यहां बुलाना पड़ता। मैंने क्या किया है चाचा जी? विलास गिरधारी जी प्रजासत्ताक के एडिटर हैं, तुम्हारे नौकर नहीं। उनको हेडलाइंस बनाने का 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। और तुमने उनसे हेडलाइन चेंज करने के लिए कहा, वो भी जब प्रिंटिंग में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। आज की हेडलाइन इंटरनेशनल न्यूज थी। ये देखो, ये बाकी के पेपर्स पढ़ो और हमारा पढ़ो। शायद मुझसे गलती हो गई। शायद क्या मतलब, गलती गलती होती है। चाचा जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं क्या अब भी मैं अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता हूं? जरूर ले सकते हो और तुम्हें लेने भी चाहिए, पर जिस कैबिन में तुम्हें इतने सम्मान के साथ विलास, प्रजासत्ताक तुम्हें सिर्फ 6 महीने के लिए चलाने के लिए दिया गया। चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके कदमों पर चलकर आपके जितना ही कामयाब इंसान बन सकूं। अब आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। वो तो मैं संघर्ष करके भी पा सकता था, मगर आशीर्वाद मांगे बिना नहीं मिलता। मैंने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है। कल रात जो हुआ वो भी मुझसे सिखाया तुमने। I'm sorry, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आइंदा मैं प्रजासत्ताक की शान को आंच नहीं आने दूंगा। चाचा जी मैं आज आपसे नहीं अपने गुरु से आशीर्वाद मांग रहा हूं। देखो विलास, पेपर चलाना कोई आसान काम नहीं है। इस माध्यम ने कई राजपाट बदल दिए हैं। तुम्हारे हाथ में जो शस्त्र है ना, उसकी ताकत को समझो और उसका सही इस्तेमाल करना समझो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जा सकते हो। जी मैं आपके प्रजासत्ताक में एक इश्तिहार देना चाहती हूँ। इसके लिए आप विलास राज को कांटेक्ट कीजिए। हेलो हेलो योगेश,
जरा मेरे कैबिन में आ जाना। मैं इस वक्त बिजी हूं। क्या कर रहे हो ऑफिस में और क्या किया जाता है? वो मैं जानता हूं, तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। देखिए मैं यहां वो नहीं कर रहा हूं जो आप करते थे, मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें काम के लिए ही बुला रहा हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं। डिस्टर्ब मी। मैं तुम्हें यहां डिस्टर्ब करने नहीं आया योगी। तुम यहां के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हो और इस फाइल में कुछ स्टेटिस्टिक्स है जो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। आप अपनी सेक्रेटरी से पूछिए, वो समझा देगी आपको। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, अपनी ड्यूटी निभाओ। मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। ठीक है, मेरा यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैं अभी बिजी हूं, जब फ्री हूं तब आइएगा। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। इस वक्त तुम मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। मैं क्या हूं यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, एंड आई नो हाउ टू बिहेव। देखो योगेश, ये मेरे लिए अर्जेंट है। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। योगेश चिल्लाइए मत, मैं आपका नौकर नहीं हूं। मैंने तुम्हें नौकर नहीं कहा, ऑफिसर कहा है। मैं अब भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। कोई जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट करने की, मैंने कहा ना जब फ्री हूं तब आइएगा। मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। और मैं मेहरबानी करूंगा भी नहीं। सब कुछ तो निछावर कर दिया आपके ऊपर, अब और क्या बाकी है? शट अप योगेश। भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम बीच में मत बोलो मानसी। भैया ऑफिस में तमाशा खड़ा हो रहा है, पूरा स्टाफ आप लोगों की बातें सुन रहा है। सुनने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। भैया प्लीज आप चुप हो जाइए ना, आप बड़े हैं, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है बोलिए ना, मैं सॉल्व कर दूंगी। मानसी तुम्हें मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। भैया और तुम मेरा काम रोकने की कोशिश मत करो। मैं आप जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं हूं। उठाइए अपनी फाइल, छोड़ता हूं आज से प्रजासत्ताक की एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा मेरे कैबिन में मत आइएगा। भैया ये क्या किया आपने? इन फाइल्स को तो आप सरस्वती मानते थे। शैतानों की साजिश में फंस गई है सरस्वती। योगेश! भैया प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए, आपको मेरी कसम है। प्लीज तो मैं बीच में नहीं आना चाहिए था। अरे होने देती जो हो रहा था। भैया पापा की जो इज्जत है कम से कम उसका तो ख्याल किया होता। ये ऑफिस है घर नहीं, और आप अपनी नफरत को ऑफिस की दहलीज के बाहर ही रख कर आया करिए। देखिए दीनानाथ जी, सोच लीजिए, एक दिन में वफादारी बदलना ठीक नहीं। इसमें वफादारी का सवाल ही कहां उठता है? वो हमारे मालिक है, हम उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। देखो जो कुछ मैनेजमेंट के लेवल पर बदलाव आता है उसमें हम कभी दिलचस्पी नहीं रखते, वो मालिकों की बातें हैं। देखो हमें जो रोटी देता है वो हमारा मालिक है। बात तो ठीक है आपकी दीनानाथ जी, विजयराज जी का भी हम उतना ही आदर करते थे, सो इनका भी करना चाहिए। हाँ हम तख्त को सलाम करते हैं, हमारी वफादारी तख्त के साथ है, उस पर बैठने वाले या उठने वाले से हमारा क्या वास्ता। ठीक है चलिए अंदर चलते हैं। चलो भैया चलो, चलो।
सर हम अंदर आ सकते हैं? यस कम इन। नमस्ते भाई दीनानाथ। अच्छा प्रेस वर्कर्स यूनियन के लीडर? काहे का लीडर, ये तो मेरे साथी ही कहते हैं, आपके लिए मैं सिर्फ वर्कर हूं। ये जादव भाई है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए क्या काम था? काम तो वैसे कुछ नहीं था, बस हम आपको बधाई देने आए हैं। हाँ सर। थैंक यू। देखो दीनानाथ जी, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखता, मुझे मेहनती लोग अच्छे लगते हैं। आप सब काम करने वाले लोग हैं, मैं ये चाहता हूं हम सब साथ मिलकर प्रजासत्ता को और आगे बढ़ाएं। बस हमारी भी यही तमन्ना है। और सर आपके हर इरादे में हम आपके साथ हैं सर। दैट्स गुड। बैठो आओ बैठो। नहीं क्या लोगे आप, चाय ठंडा? नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई ले लो कुछ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं नहीं सर, हम ड्यूटी पर हैं और काम का वक्त जाया नहीं करना चाहते। दैट्स नाइस, मुझे आप लोगों की ये बात अच्छी लगी। तो हम चले। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मजदूरों का ग्रुप केबिन में क्या कर रहा था, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, क्या परेशानी होगी? प्रजासत्ता के नए मालिक को बधाई देने गए थे।